इंसानियत दुश्मन भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जुल्मो जबर का एक नया बाब रकम कर रहा है और आलमी बरादरी को धोखा देते हुए ये अमल तसलसल से जारी रखे हुए है। जम्मू और कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय हुकूमत और कठपुतली मीडिया का कहना है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल पुरमन और मामूल के मुताबिक है। धारा 370 को हटाने के बाद वहाँ पर परिस्थिति खूब शांतिपूर्ण रही। आज 6 थाने छोड़कर कहीं पर भी 144 भी नहीं, कर्फ्यू एक भी जगह पे नहीं, सूट एट साइट का ऑर्डर एक भी जगह 370 हटाने के बाद लगाना नहीं पड़ा है, कर्फ्यू आज एक भी जगह नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे भारतीय आईन की खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 370 के खात्मे की वजह कश्मीर की पसमानदगी बताकर झूठ बोल रहे हैं। रिपील ऑफ दिस आर्टिकल हैज टुडे गिवन अस ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट इन टू द स्टेट, मोर डेवलपमेंट, मोर जॉब क्रिएशन, बेटर पोलिटिकल एम्पावरमेंट एट द ग्रास रूट लेवल एंड ऑल्सो एक्सटेंडिंग ऑल फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत का ये दावा इंतहाई खोखला है कि ये आर्टिकल कश्मीर की तरक्की के लिए खत्म किया गया है, जबकि माहिरीन मौशियात भारतीय दावों को रद्द करते हुए मुख्तलिफ हकायक बयान करते हुए भारतीय धोखाबाजी को बेनकाब कर रहे हैं। One of the misleading things that are being said all the time in India about Kashmir is that it's a kind of backward region which needs development and that what has happened will permit development. Now this is really absurd because Kashmir, Jammu and Kashmir is actually one of the more developed states of India, not just in terms of economic development but also in terms of many social indicators, whether you look at mortality rates, schooling rates, nutrition levels are quite all right. So you know, if anything, I think that India has to learn from Jammu and Kashmir about development and not try to impose its own model. भारतीय तारीख में ये पहली मर्तबा है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भारतीय फोर्सेस के हाथों बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को इस तरह बेनकाब किया कि दुनिया भर के इंसानियत दोस्त इदारे और भारतीय अवाम भारत के खौफनाक अजायम से आगाह हुए। As our plane approaches the airport, we are asked to close the blinds on our windows. A telling sign of what is to come. Outside, military personnel line the streets as far as the eye can see. Srinagar resembles a ghost town, crisscrossed with concertina wires and security personnel. Movement is severely restricted, even for journalists. In the days leading up to the revocation of Article 370, the Indian government moved 45,000 additional troops to Kashmir, tightening its grip on a region that is already infamous for being one of the world's most militarized zones. धोखाबाजी के तसलसल में दावा किया गया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं है और न ही कहीं कर्फ्यू है। भारतीय हुकूमत और मीडिया के धोखे में आकर दिल्ली में मुकीम एक कश्मीरी अपने खानदान से मिलने श्रीनगर आया तो उसे काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों जिन हालात से वास्ता पड़ा उसी की जबानी सुनिए। I have been coming from Delhi and the media in Delhi, they already said that everything is fine, shops are open, there's no curfew here in Kashmir. I have been walking all the way almost 20 kilometers by walk and still I have to go again 20 kilometers to my home to reach my family because I didn't have any contact. The police barricades have stopped us more than 20 times that where are you going, there's curfew, we can shoot, we'll shoot you. So the everything is fake. Whatever the news goes out from Srinagar, it's everything fake. Really, you can see my condition. I've been all the way from Delhi. बिलाशुबा बैनुल-अक़वामी मीडिया ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को इंतहाई पेशावराना अंदाज में बेनकाब किया है, जिससे तवील अरसे से जारी भारतीय प्रोपेगेंडे की कली खुल गई है। ये सब कश्मीरियों की बेमिसाल जुद्दोजहद का नतीजा है जो दीवानावार कामयाबी के रास्ते पर गामजन है।